हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में ये एरर आ रहा है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो आप इस एरर को बहुत ही ईजिली रिमूव कर सकते हैं आप अपने पीसी में से। अगर आप जो है कोई भी यूएसबी कनेक्ट कर रहे हैं या फिर यूएसबी पेन ड्राइव आप कनेक्ट कर रहे हैं आपके पीसी में, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो रहा है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप ई प्रेस कीजिए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन करना है, उसके बाद आपको विंडोज़ फोल्डर ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर INF फोल्डर सर्च करना है। फिर आप इसको ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्च करना है WPDMT। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको फाइल शो हो जाएगी। आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जो है डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक कीजिए, डिवाइस मैनेजर पर क्लिक कीजिए, डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर डबल क्लिक कर ये ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पर आपको USB रूट हब इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इस पर क्लिक कीजिए, फिर क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको फिर से इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर USB ड्राइवर को सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर अपडेट हो गए हैं। उसके बाद आपको जो है इसको क्लोज कर देना है। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर जेनेरिक USB हब को भी जो है आपको अपडेट कर देना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर जेनेरिक USB हब को भी जो है अपडेट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर को क्लोज कीजिए, उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर कैटेगरी में, यहाँ पर मैं इसको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पावर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है चेंज वेन द कंप्यूटर, ओके। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर चेंज एडवांस पावर सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है USB सेटिंग इस तरीके से। यहाँ पर आप क्लिक कर एक्सटेंड कीजिए, उसके बाद इसको भी आपको जो है एक्सटेंड कर देना है इस वाले ऑप्शन को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन बैटरी, ये ऑप्शन दोनों आपके पास एनेबल होना चाहिए। उसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास विंडोज़ अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास विंडोज़ अपडेट नहीं है तो आप जो है यहाँ पर इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कीजिए, आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।